यहाँ पे अभी देखो बारिश शुरू हो गई है, अचानक से एकदम से क्लाउड आ गए और फिर बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर में लगता है कि रुक तो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पार्थ राणा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल। इट्स 22 जून 2022 और अभी बजे है 12:12 और जा रहे हैं महाराष्ट्र। सो ये पहला व्लॉग होगा जिसमें हम इतना लेट स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली मेरे सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट ले रहे हैं। सो लेट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जस्ट 2 घंटे पहले घर पे डिसाइड हुआ है कि चलो महाराष्ट्र चलते हैं। तो अभी निकल गया, मेरे साथ है मेरे ब्रदर इन लॉ पावन, हम दोनों जा रहे हैं बाय कार। सो पिछले व्लॉग में आपने जैसे देखा होगा कि हम MP गए थे, मध्य प्रदेश, वहाँ पे 2 मेजर ज्योतिर्लिंग जो है वो कवर किया था। तो अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ पे 3 मेजर ज्योतिर्लिंग है तो उसको कवर करेंगे। यहाँ से सबसे पहले जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का टेम्पल है वहाँ जाएंगे, और उससे आगे के 2 ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे रास्ते में बताता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स 4:30 PM, वी आर ड्राइविंग सिंस लास्ट 4 आवर्स और अभी सूरत और नवसारी के बीच यहाँ पे एक फूड एक्सप्रेस करके एक होटल दिखी है तो वहाँ पे खड़े रहे। दिस इज़ अवर फर्स्ट ब्रेक, इससे पहले एक भी ब्रेक नहीं लिया। सूरत में सोचा था, सूरत के आउटस्कर्ट से जब गुजर रहे थे तब सोचा था कि वहाँ पे ब्रेक लेंगे, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लिया है, यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए रुकेंगे, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 282 किलोमीटर्स और 4 घंटे में इतना कवर कर लिया, मतलब आधा रास्ता हो गया है कवर। अभी आधा रास्ता और बाकी है, टोटल 520 किलोमीटर्स कुछ अहमदाबाद से दिखा रहा था डिस्टेंस और 9.5 घंटे का रास्ता गूगल दिखा रहा था। ओम नमः शिवाय। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट त्र्यंबकेश्वर। इट्स मॉर्निंग 8 AM और ये हमारी जर्नी का दूसरा दिन है। कल रात को इधर पहुँचे, रात को 10:30-11 बजे हम यहाँ पे आ गए थे। जर्नी लंबी रही थोड़ी, 10-10.5 घंटे का रास्ता रहा, बीच में हमने 1.5-2 घंटे का होल्ड लिया था। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी त्र्यंबकेश्वर आने का प्लान कर रहे हो गुजरात से, तो मैं अहमदाबाद से आया तो वहाँ पे 2 रास्ते दिखा रहा था मेरे को गूगल। एक रास्ता जो था जो धर्मपुर होके जो दिखा रहा था, चिखली करके एक गांव आता है वहाँ से, वो सर्कल से आपको लेफ्ट मुड़ना है तो धर्मपुर होके आप आ सकते हो। और दूसरा रास्ता है जो वलसाड़ और वापिस होके फिर सिलवासा, दादरा के पास जो सिलवासा है वहाँ से होके आता है। सो हमने वो रास्ता नहीं लिया सिलवासा वाला, हम लोग धर्मपुर होके आए क्योंकि वो रास्ता हमें गूगल दिखा रहा था कि 20 मिनट्स आप अर्ली पहुँच सकते हो। तो हमने जो कल रास्ता लिया वो रास्ता हमारी लाइफ का बेस्ट एडवेंचर ट्रिप आप कह सकते हो, बेस्ट एडवेंचर राइड बोल सकते हो। हमारा जो ड्राइव था, ऐसे रास्ते पे हमने कभी ड्राइव नहीं किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ है पावन, तो उन्होंने पूरे रास्ते पे ड्राइव किया। तो वो जो रास्ता था पहाड़ों के बीच से होके गुजरता है, वहाँ पर हमने हमारे सामने देखा कि लैंडस्लाइड होके रखी हुई है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या पत्थर आप बोल सकते हो वो रास्ते में पड़े हुए हैं और रास्ता पूरा स्लिपरी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा थी और हम रात के टाइम पे गए थे। तो अगर आपको एडवेंचर अच्छा लगता है तो कभी वो रास्ता ले सकते हो, पर दिन के टाइम में और अगर आप फैमिली के साथ हो तो खास करके ये रास्ता अवॉइड करना, वो रास्ते से बिल्कुल मत जाना। आप वापी वलसाड़ होके जो नेशनल हाईवे 48 है वो वहाँ तक होता है, फिर वहाँ से लास्ट में आपको एक लेफ्ट टर्न लेके दादरा होके आप यहाँ पे आ सकते हो, तो वो रास्ता लेना। दिस वॉज द वन थिंग। और रात को यहाँ पे आए तो हमको होटल मिल गई थी, इट्स कोइंसिडेंस, हम द्वारका में गए थे वहाँ पे हमें तो होटल तुलसी मिली थी, यहाँ पे भी होटल तुलसी इन करके है, वहाँ पे हमने रूम रखा। इट्स गुड होटल, अगर आप आ रहे हो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा क्या उसके रेट और वो सब, तो वो आप देख लेना। सो लिटिल हिस्ट्री अबाउट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 मेजर ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है और नासिक के पास 28 किलोमीटर्स दूर त्र्यंबक करके एक टाउन है, ये विलेज है, टाउन नहीं बोल सकते विलेज है, वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल स्थित है। यहाँ से पास में ही गोदावरी जो रिवर है जिसको दक्षिण गंगा माना जाता है, वो गोदावरी रिवर का ओरिजिन है, ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। इसको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे ये जो शिवलिंगा है वहाँ पे 3 देवताओं का वास है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, वो तीनों इसके अंदर स्थायी है ऐसा मानते हैं, इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। और ये जो अभी का जो आप टेंपल देख पा रहे हो, यहाँ से हम जस्ट टेंपल से 50 मीटर्स की दूरी पे है, तो ये जो टेंपल है वो बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव है, उन्होंने बनाया है और ब्लैक स्टोन का यूज़ करके इसको बनाया गया है। सो दिस इज़ द शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट त्र्यंबकेश्वर। अभी टेंपल के अंदर जाएंगे, अगर वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड करते तो आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं बाहर से आपको टेंपल का जो व्यू है वो मैं वीडियो में डाल दूँगा।
आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो वो त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। यहाँ पे आए, अच्छे दर्शन हुए, आज भीड़ काफ़ी कम है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने भी बताया कि पिछले काफ़ी टाइम में ऐसा हुआ है पहली बार कि इतनी कम भीड़ है। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर टेम्पल प्रीमाइसिस में अंदर बैठ के जो गर्भगुरु होता है उसके सामने बैठने को मिला, फिर अभी बाहर है यहाँ पे और अभी परमिशन दिया है तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, जैसे मैंने पहले बताया, मेजर ज्योतिर्लिंग है। और अभी का ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो वो रीबिल्ड किया गया है या रिकंस्ट्रक्ट आप बोल सकते हो, वो पेशवा बालाजी बाजीराव जी ने किया है। तो इस 10:30 AM और अभी यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स के पास आए हैं। यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि शिवजी ने अपनी जटा को पटक कर जो गोदावरी रिवर है उसको ओरिजिनेट यहाँ से किया था। तो गोदावरी रिवर का जो सोर्स है वो ये ब्रह्मगिरी हिल्स है, ऐसा माना जाता है। मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हो वो ब्रह्मगिरी हिल्स है। तो यहाँ से अभी क्लाइम करके जाना है, ऊपर तक क्लाइम करके जाना है। कुछ लोग बोल रहे हैं 500 स्टेप्स है, कुछ लोग बोल रहे हैं 1000 स्टेप्स है। अभी क्लाइम करके ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। पर यहाँ का जो वेदर है अभी, एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है, पूरा क्लाउडी है, क्लाउड के पीछे आप माउंटेन देख पा रहे हो। सो अभी सोचा है यहाँ पे क्लाइम करने को जाएंगे। सो आपको रास्ता भी दिखाता हूँ और वहाँ पे फिर ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। तो अभी क्लाइम करना शुरू कर दिया है और ये जो आपने देखा अभी, ये टिकट है, पर पर्सन दे आर चार्जिंग 30 रुपीज़ और इसके ऊपर लिखा है संयुक्त वन व्यवस्थापन समिति मेडघर किला। सो महाराष्ट्र का कोई ये किला है, यहाँ पे वन व्यवस्थापन जो समिति है उसके अंडर में ये एरिया शायद से आता होगा, तो इसके लिए वो लोग पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। यहाँ पे नीचे मेरे को एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बंदा मिला जो बैठा था, जिसने मेरे को ये टिकट दिया, तो उसने ये बात बताई। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही पीसफुल है, आज लोग भी कम है। अभी तो मेरे को रास्ते में कोई मिला ही नहीं, मैं और मेरा भाई जो दोनों हैं साथ में, बस हम दोनों ही है। और यहाँ पे हर जगह पे कुछ कुछ डिस्टेंस पे इन लोगों ने बोर्ड लगाए हुए हैं। तो दिस एरिया इज़ बेसिकली प्लास्टिक प्रोहिबिटेड एरिया, आपके साथ कोई प्लास्टिक बैग या ऐसा कुछ कैरी नहीं कर सकते। ये बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। पर फिर भी यहाँ वहाँ कुछ रैपर्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं प्लास्टिक, किस लोगों ने वेफर्स और बिस्किट ये सब खाने के बाद यहाँ पर डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमें, कहीं पे भी अगर घूमने जा रहे हैं टैप के बैग में एक एक्स्ट्रा बैग रख के चले कि इसके अंदर आपका जो प्लास्टिक है उसको उसमें इकट्ठा करें, यहाँ वहाँ नेचर में नहीं डाले। So as it says that the best view comes after the hardest climb. अभी हाफ वे डाउन है, अभी पूरा ऊपर तक पहुँचे भी नहीं है। मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ पावन, हम दोनों साथ में हैं। सो अभी हाफ वे डाउन, बट स्टिल आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे पीछे ऊपर तक जाना है, अभी ये रास्ता है। दूर दूर तक माउंटेन रेंजेस दिख रही है, उसके पीछे बिल्कुल क्लाउड्स दिख रहे हैं। सो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। सो अभी टॉप पे पहुँचे और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। इट्स 11:45 AM, 12:15 बजे ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे चारों ओर माउंटेन रेंजेस है और पूरे क्लाउड्स है, साथ से हम लोग भी अभी यहाँ पे जो जगह पे है टॉप पे वो भी क्लाउड्स के बीच में। तो अभी मैं यहाँ पे आपको आसपास का जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे आप जो है नीचे देख पा रहे होगे वो त्रिंबक विलेज है, और वहीं पे त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ नीचे से हम क्लाइंब करने के बाद यहाँ पे ऊपर आए हैं। अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हो त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर से इस जगह पे आए। थोड़ा क्लाइंब है, 1000+ स्टेप्स है डेफिनेटली, तो आपकी अगर जनरल कुछ फिटनेस लेवल है तो कर पाओगे आप आराम से। काफ़ी मैंने एजेड लोगों को भी देखा कि जो लोग यहाँ पे आराम से क्लाइंब करके आ रहे हैं। नीचे से ऐसे तो आप आपके साथ एक स्टिक रख दीजिए, पर यहाँ पे आइए क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो बहुत ही बढ़िया है, ये मिस करने लायक नहीं है। सो अभी आप जो सामने देख पा रहे हो टेम्पल, छोटा सा दिख रहा होगा, वो एक टेम्पल है। वहाँ पर कुछ लोग यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं, तो वहाँ पर देखते अभी जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें अभी यहाँ से आगे भीमा शंकर जाने के लिए निकलना है। पर यहाँ पे पास में एक और छोटा सा पिक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे तो एक बार जाके आऊँ, क्योंकि यहाँ से वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये जो सामने पिक दिख रहा है वहाँ पर सोच रहा हूँ, देट इज़ द हाइएस्ट पिक। ओ दिस इज़ द हाइएस्ट पिक ऑफ ब्रह्मगिरी माउंटेन। ये जो माउंटेन है उसका हाइएस्ट पिक है। यहाँ से आप नज़ारा देखिए, क्या बेहतरीन व्यू है ये। वहाँ पे थे हम सामने, वहाँ से क्लाइंब करके अभी ऊपर आए हैं। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत ही कम ऐसे एक्सपीरियंसेस है मेरे लाइफ में भी कि वहाँ से मेरे को ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, ऐसी कोई जगह मिली है। सो बहुत ही बढ़िया है ये। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। अगर आप त्रंबकेश्वर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर से आइए। सो हियर द टॉप ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, पहुँच गए ऊपर तक, क्लाइंब किया। एक लड़का मिला पीछे, वो कर्नाटका से था, तो वो भी यहाँ पे बैठा है। पिछले आधे घंटे से उसने बोला कि बहुत ही बढ़िया जगह है। जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, पर यहाँ पे टॉप तक कोई नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ी सी पतली सी जगह है ये, तो यहाँ पे क्लाइंब करके कोई आ नहीं रहा। पर उसने मुझे बताया कि लास्ट एंड तक जाके आओ, वहाँ का व्यू भी अच्छा है और बेहतरीन जगह है, तो सोचा चलो यहाँ तक आ ही जाते। सो दिस इज़ द नाउ डेड एंड, ये एंड पे पहुँच गए हिल के। ये आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, पावन भी अभी आ रहा है यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे साथ में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, फिर नीचे जाना शुरू करेंगे। सारे ज़्यादातर वीडियो सब रिकॉर्ड हो गया है, कैप्चर हो गया है। अभी नीचे जाएंगे, थोड़ा क्विकली जाएंगे क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने बताया भीमा शंकर पहुँचना है। ऑलरेडी इट्स 12:15, सो अभी आपको रास्ते में कुछ बात करेंगे कि यहाँ पे अभी देखो बारिश शुरू हो गई है, अचानक से एकदम से क्लाउड आ गए और फिर बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर में लगता है कि रुक तो जाएगी, पर अभी रुके नहीं, फिर भी क्लाइंब डाउन तो करना है। और ये जो यहाँ का जो चढ़ान है वो थोड़ा सा स्टीपर है। सो इज़ 1:30 PM, एक घंटे में नीचे उतरे ऊपर से। काफ़ी बढ़िया वेदर था ऊपर, बारिश भी शुरू हो गई थी, वहाँ से नीचे आने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, सोचा थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। पर अभी यहाँ से आगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगा जो है वहाँ पे जाना है। सो यहाँ से 5 से 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गूगल, 5.5-6 घंटे का, तो इसलिए वापस आ गए नीचे और अब यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, जस्ट एक बार अभी यहाँ पे रास्ते में नींबू पानी पिया, तो बीच में कहीं पर रुकेंगे, कुछ खाएँगे पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो शाम तक वहाँ पर पहुँच जाए ऐसा टारगेट है। सो इट्स 4:15 PM, अभी नासिक क्रॉस किए, नासिक जस्ट क्रॉस किया और अभी यहाँ से जा रहे हैं भीमा शंकर, जैसे मैंने आगे बात की। पर अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है लस्सी पीने के लिए। गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे आशा लस्सी करके है, सिंस 1956 दिखा रहा है, तो अभी देखते हैं, उन्होंने अभी पार्सल करके दिया है, तो अभी इसको टेस्ट करेंगे। और रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया थे तो इसलिए यहाँ पे छोटा ब्रेक लिया 10-15 मिनट के लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो इट्स 9:15 PM और यहाँ पे भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे पहुँच गए हैं। करीबन 5.5 घंटे जितना हुआ रास्ते में ट्रैवल करने में, 5.5 घंटे लगे, क्योंकि जो रास्ता है कुछ डिस्टेंस तक अच्छा था रास्ता, काफ़ी बढ़िया था। नासिक पुणे का जो हाईवे है वो हाईवे से आए,
और उसके बाद लास्ट का जो 50 किलोमीटर है जो पुणे से, फिर पुणे तक नहीं जाना है, उससे पहले भीमाशंकर के लिए अलग रूट है। सो अगर भीमाशंकर का जो वो जो रास्ता है वहाँ पे जो रूट था वो मतलब बिल्कुल पहाड़ियों में से एकदम रो एडवेंचर जैसा लगेगा अगर आप कभी यहाँ पे आओगे बाय कार या बाय बाइक भी, कुछ लोगों को मैंने देखा आते हुए। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है। सो आज भी जब हम आ रहे थे रास्ते में बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो उसकी वजह से गाड़ी का जो स्पीड था वो कंट्रोल में करके चलाना पड़ रहा था। पर जर्नी अच्छी रही, अलग एडवेंचर रहा, डिफरेंट एडवेंचर, और काफ़ी बढ़िया रहा। अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, रूम भी ले लिया है। सो यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे होटल्स जो 2-3 स्टार अगर आप एक्सपेक्ट करके यहाँ पे आओगे तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पर अपने बजट में 1500-2000 के रेट में आपको यहाँ पे एक रूम लॉज जैसा बोल सकते हो वैसा मिल जाएगा। तो वैसे हमने एक रूम ले लिया है यहाँ पे, और अभी आज की रात यहाँ पे स्टे करेंगे, कल सुबह दर्शन के लिए जाएंगे। सो अभी इस वीडियो को यहाँ पे इसी तरह से एंड करते हैं, ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, और जो पार्ट 2 है कल सुबह से लेके फिर परसों तक की जो जर्नी है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस वीडियो को इसी तरह से यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।